एवरेस्ट के मसालों की जांच के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, केंद्र सरकार ने फूड कमिश्नर को जांच के लिए कह दिया। आपको बता दें कि सिंगापुर ने एवरेस्ट के फिश करी मसाले पर बैन लगा दिया था। फिश करी मसाले में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। लोगों की सेहत से जुड़ा यह पूरा मामला है जिसमें एवरेस्ट मसालों को लेकर सवाल उठे हैं। सिंगापुर ने एवरेस्ट के फिश करी मसाले को लेकर सवाल उठाए थे और कहा था कि इसमें एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है जो कि सेहत के लिए खतरे। रिपोर्ट जो 20 दिन के अंदर आनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में तमाम फूड कमिश्नर को कह दिया गया है, चाहे वो फिश करी मसाला हो चाहे कोई और मसाला हो, तो इस मद्देनजर फूड कमिश्नर कल से ही सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर देंगे और उसके बाद जांच के लिए लैब में भेजेंगे। वहीं कॉमर्स मिनिस्ट्री ने तमाम अधिकारियों को कहा है और साथ ही जो स्पाइस कोड है, स्पाइस कोड ऑफ इंडिया को कहा गया है कि वो लोगों में जागरूकता फैलाएं, लोगों को बताएं, क्योंकि इंडिया न्यूज में दिखाया था कि तमाम जो मसाले हैं उन मसाले में क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, कौन से हानिकारक तत्व हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पाया गया सिंगापुर हांगकॉन्ग में उसमें एथिलीन ऑक्साइड पाया गया जो कि कैंसर कारक होते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर और तमाम कैंसर हो सकते हैं, यहाँ तक कि ब्लड कैंसर हो सकते हैं, लोगों की जान भी जा सकती है। तो बिल्कुल मनोहर, खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए, जायका बढ़ाने के लिए जो मसालों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कितने खतरनाक सेहत के लिए हो सकते हैं, इसकी बानगी एवरेस्ट मसालों की जांच के दौरान मिली है और इसी पर अब संदेह हो रहा है। फूड कमिश्नर को कहा गया केंद्र सरकार की ओर से वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन कब तक इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से जांच होगी, ये भी अपने आप में सवाल है। और सवाल ये भी उठता है मनोहर की लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में गलत चीज़ों का इस्तेमाल करना, केमिकल्स का इस्तेमाल करना, जिससे बीमारियां भी बढ़ गई हैं, ये एक चिंता का विषय है। मनोहर मनोहर के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक वीडियो वायरल हुआ है जहां वीडियो में